हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस मैकिंग प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर जो आप मशीन देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस मशीन के द्वारा हम बहुत से ऐसे ऐसे जो काम होते हैं जो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस मशीन के द्वारा अगर आप कोई मोल्ड बनाते हो या फिर कोई डाई बनाते हो, किसी भी तरीके का डाई बना रहे हो, चाहे वो मोल्डिंग से रिलेटेड डाई हो, चाहे फिर आप किसी मेटल का मोल्ड बना रहे हो उस तरह का डाई हो, या फिर मतलब किसी तरह से कोई भी हार्ड मेटल होती है उसको काटना हो, तो इस मशीन के द्वारा फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हो। पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो को देखोगे तो मैं पूरा का पूरा इसका जो वर्किंग है मैं करके दिखाऊंगा, किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, टोटल कितने टाइप के यूज हो सकते हैं इसके द्वारा, कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो को देख लीजिए, कोई भी कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मशीन का जो आकार है बहुत ही छोटा सा आकार है। देखिए यहाँ से ही बस खाली ये देखोगे, ये देखिए बस यहाँ से देखोगे इतना ही आकार है मशीन का, बस इतना ही आकार है। इतनी बड़ी ये मशीन है, लेकिन ये बहुत ही कामयाब होने वाली है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे है फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है आपको मोटर है, ये 3 फेज की मोटर है, लेकिन हम कैपेसिटर के द्वारा सिंगल फेज में भी इसको चला सकते हैं। लेकिन सिंगल फेज में चलाने से फर्क ये होता है कि इसका जो पावर है काफी घट जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये जो मशीन है इसके अंदर इतने पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका जो आप काम देखोगे कितने टाइप का काम कर सकती है, तो आप बहुत ही मतलब एक अचंभित हो जाओगे। तो देखिए ये 3 फेज का मोटर है और ये गियर मोटर है। गियर मोटर मतलब यहाँ पे एक इसका गियर बॉक्स है और ये इतने बढ़िया 1 HP का मोटर है। और इसका जो मोटर का जो RPM है वो है 90 RPM, यानी 1 मिनट के अंदर ये 90 चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मोटर, ये हो गया हमारा मशीन। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो मशीन है इसके बारे में आपको बता देता हूं किस तरह से ये काम करेगी, उसके बाद हम इसका कितने टाइप के यूज हो गए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए मैं इसको चलाता हूं, इसको 230 वोल्टेज AC सप्लाई दे दी हमने, तो इसको ऑन करते हैं। अब ये देखिए चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, 90 RPM। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मशीन हमारी जो काम करेगी, और इसके जो काम है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे अच्छे काम करने वाली है, और आप इसका काम देखोगे तो वाकई में बड़ी दमदार मशीन होगी ये। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये ऊपर नीचे होने का काम करेगी। इसके अंदर कितने टाइप के टूल लग सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी मशीन के अंदर। तो मैं एक बार थोड़ा फिक्स कर देता हूं यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारा जो मशीन है, ये देखिए यहां से इसका पूरा वर्किंग दिखा देता हूं, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो रही है, वो जो वर्किंग एरिया इसका 1 इंच का है। इसके अलावा भी हम यहाँ पे इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये जो इसका राउंड है, बड़ा करके जितना बड़े करेंगे उतना ज्यादा ऊपर नीचे होगी, कम करेंगे उतना ज्यादा कम होगी, ठीक है। इस तरह से मूव हो रहा है, और इसकी जो आवाज है बिल्कुल ही कम हो रही है, आप देख सकते हो बहुत ही कम आवाज करेगी ये, और कम मतलब पता भी नहीं चलेगा कि मशीन है वो चल रही है। तो यहाँ पे टूल लगा हुआ है, ये जो फाइल जिसको आप फाइल बोल सकते हो, तिकोना बोल सकते हो, बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं फ्रेंड्स जिसके द्वारा हम आसानी से इसके द्वारा मशीन के द्वारा काम कर सकते हैं। और मेरा इस मशीन का बनाने का पर्पज यही था कि मैं ये जो डाई बनाता हूँ, मोल्ड बनाता हूँ, तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस मशीन का यूज होता है। जैसे कोई गियर बनाना हमें, गियर की डाई बनानी हमें, या फिर किसी प्लेट को कट करना है, तो सबके सब मैं इसमें मशीन के द्वारा करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये जो इस पर टूल लगेगा, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे जो टूल लगेगा, एक तो यहाँ पे ये जो नट लगा हुआ है इसको टाइट करना होता है टूल पे लगा करने के बाद, और एक यहाँ पे देखो कि नीचे इसमें, ठीक है, इसको टाइट करना है लगाने के बाद। जैसे इसमें ये फाइल है, तिकोना बोल सकते हो आप इसे, या फिर ऐसे बहुत सारे ये जो इस टाइप के जो तिकोने होते हैं, करीब 7-8 टाइप के होते हैं, जिस शेप में यहाँ पे जो टूल लगेगा उसी शेप में मेटल को कटेगा, यानी उसका डिजाइन कट करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसका काम होता है। जैसे मैंने ये तिकोना लगाया है, तो मैं एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ये ऑफ हो गया। तो सबसे पहले मैं एक, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तिकोने को पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसको थोड़ा लूज कर देना है, ठीक है, और ये इस तरह से निकल जाएगा, बड़े आसानी से निकल जाएगा। ये होता है तिकोना। इस तिकोने का लगाने का मेरा पर्पज ये होता है कि मान के चलिए हमें इस तरह के गियर्स बनानी है। ये जो गियर है, जैसे मान लीजिए हमें एक बार तो इसको 3D प्रिंटर के द्वारा बना लिया है, अगर हमें इस प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर करना है, या फिर और बहुत सारे ऐसे ऐसे जो प्लास्टिक के होते हैं जिसका मैन्युफैक्चर हम आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए बनाना पड़ता है उसका मोल्ड। तो ये हमारा एक गियर हो गया,
ठीक है, इस तरह का गेयर हो गया और इसे हम इसका मैन्युफैक्चर बनाना करना चाहते हैं। तो देखो 3D प्रिंटर से तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि इसकी जो क्वांटिटी है हम उसकी पूर्ति कर सके, तो इसके लिए बनाना पड़ता है इसका एक डाई, जिसको डाई बोल सकते हो, मोल्ड बोल सकते हो, या फिर इसी तरह का पूरा का एक खांचा। तो जैसे मैं इसको बनाने के लिए अगर मैन्युफैक्चर करना है मुझे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक शीट होगी, ये जो डाई है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डाई बनाया हुआ है और इस शेप में मैंने इसको राउंड करके यहाँ से पहले से कट कर दिया है। अब हमें इसके जो टिथ है, इसके साइज के हिसाब से, ये जो टिथ है इसके हिसाब से, ये जो टूल होता है ये अलग अलग होता है, ये दिख रहा है आपको, ये अलग अलग होता है, और उसी शेप में ये गियर कट कर देंगे, ठीक है, ये इस तरह से चलेंगे इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह से चलेंगे ऊपर नीचे करके। तो मैं इसको पहले यहां पे रख देता हूं। अब देखिए जिस शेप में हमें कट करना है, तो इस तरह से हम इसमें कर देंगे फिट, एक मिनट, ठीक है, इस शेप में करेंगे, ये काम हो गया इसके अंदर रखना, और इसको कर देंगे उसके बाद टाइट। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता है इसके लिए पकड़ने के लिए होल्डर, ठीक है, इस तरह से ये होल्डर होगा, इसके ऊपर लगाएंगे, थोड़ा इसको मैं लूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस तरह से इसको टाइट कर देंगे, एक साइड ये हो गया, दूसरी साइड फिर इसमें यहाँ से लगाएंगे, ये होगा इस तरह से, देखिए ये जो दो इसमें होल्डर लगा के इस तरह से लगाएंगे जी, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक मिनट आपको, इस तरह से होगा और ये राउंड हो गया, ठीक है, इस तरह से ये दोनों साइड में इसको पकड़ लेगा, इस तरह से पकड़ लेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये जो हमारी जो मशीन है वो लगातार चलती रहेगी इस तरह से, मैं एक बार नॉर्मली दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इस तरह से चलती रहेगी। अब जैसे जितना थिकनेस का हमें ये काटना है, ये जो इसमें गियर है इसकी, देखिए जो यहाँ की जो इसकी लंबाई है, टिथ की लंबाई है, उसके हिसाब से काटना है, तो उसके लिए करना है हमें यहाँ से मूव, यानी इस साइड से ये मूव करेगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह से ये मूव करता रहेगा, ठीक है, इस तरह से, मैं एक बार इसको कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इसमें मार्क नहीं किया है, मार्क करने के बाद होगा सर। तो इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं, किसी दिशा में मूव करना, हमें मूव करते हैं बड़ी आसानी से। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा, ये जो गियर होता है इसको काटने का, ये देखोगे तो बेसिक से एक गियर है जो कि बिल्कुल प्लेन रखना है, और यहाँ पे देखोगे टिथ कट जाएगा, जिस शेप में हमें टिथ काटना है, ये जो गियर काटना है, ये देखिए गियर के टिथ काटने हैं, तो उसी शेप का ये टूल लगेगा यहाँ पे, ये हो सकता है इस तरह से लग सकता है, या फिर जो डायमंड होता है उसका इस पे सेट होगा और इसको इसके अंदर लगाया जाएगा और उसी शेप में ये गियर को कट देगा। एक तो हो गई ये, दूसरी बात अगर मान के चलिए कि हमारे पास ये गियर नहीं बनाने हैं, बल्कि हमें उसका टेढ़ा जो टिथ है उसका टेढ़ा है, जिस तरह से ये हो गया बेबियल गियर हो गया, ठीक है, ये देखिए ये बेबियल गियर होता है, टेढ़ा है, देखिए उसके मुकाबले ये इसका जो है इसका प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है लेकिन ये इसमें देखोगे तो टेढ़ा है। तो इस तरह से अगर हमें इसको काटना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा लूज करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा लूज करते हैं, और हम जिस डिग्री में, एक बार मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, जिस डिग्री में हमें काटना है तो उसकी डिग्री में इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी डिग्री में इसको काटना है तो इसको मूव कर सकते हैं, ये होगा इस तरह से, इस तरह से कितनी डिग्री पे काटना है, एंगल कितना देना है गियर का, वो सब कुछ इसी मशीन में हम फिक्स कर सकते हैं, और यहाँ पे डिग्री के हिसाब से उसके फिक्स करने के बाद इसको कर देते हैं टाइट। तो इस तरह से ये जो हमारा डाई है वो टेढ़े एंगल में बन जाएगा, यानी इसके द्वारा जो डाई बनेगी वो, जिसके द्वारा इस तरह के जो बेबियल गियर होते हैं उसका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये हो गया। इसके अलावा जैसे मान के चलिए प्लेन में करना है, एक काम और करना हमें, मैं इसको थोड़ा सा लूज कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, अब मान के चलिए हमें एक काम और करना है, इसके द्वारा हमें ये गियर हो गया, गियर बनाना है, तो अगर मान के चलिए किसी जो पुली होती है उसके अंदर इस तरह की, या फिर कटर होती है इस तरह की, हमें चाबी काटनी है, ये देखिए, तो इस तरह से अंदर से अगर चाबी काटते हैं, तो उसके लिए बहुत कुछ जुगाड़मेंट करना पड़ता है, तब जाके ये चाबी काटती है, हालांकि दिखने में सिंपल सा है, लेकिन अगर लैथ मशीन से काटे या फिर किसी और दूसरी मशीन से काटे, तो काफी ज्यादा दिक्कत आती है इस तरह की चाबी काटने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की अगर मान लीजिए ये हो गया या फिर कोई पुली हो गई, तो उसको इस तरह से रखते हैं,
और उसके ऊपर इसी तरह का चौकोर का टूल है, चौकोर में कट करे, इसी शेप में कट करे, उसी टाइप का इसमें टूल लगा देंगे, इसको इसके द्वारा फिक्स कर देंगे, और उसके बाद ये जो चलेगा ऊपर नीचे चलेगा, तो इसको जैसे जैसे हमें यहाँ से स्टार्ट करना है तो उसको धीरे धीरे घुमाते रहेंगे, और पूरा का पूरा सेफ है ये जो चाबी वाला इसे कट कर देगा। तो दूसरा ये इसका यूज हो गया, गियर की डाई बना सकते हैं, या फिर अगर गियर बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आसानी से, या फिर मान के चलिए मैं इसके द्वारा मान के चलो हमारे पास होते हैं जो हार्ड मेटल होते हैं, जैसे चाहे वो स्टील भी हो सकते हैं, चाहे लोहा हो सकता है, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, उसके द्वारा ग्राइंडर के द्वारा अगर हम उसको कट करते हैं तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है, तो खर्चा काफ़ी आता है क्योंकि जो उसको पत्ता होता है जिसको ब्लेड बोल सकते हो, तो वो काफ़ी जैसे मान के चलो 15 रुपये का आता है, तो करीबन एक साफ को काटने के लिए 2 या 3 जो पत्ते हैं लग जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होता है। लेकिन इसके द्वारा हम बड़ी आसानी से ये जो हमारा ब्लेड होता है इसके द्वारा जो 5 रुपये का आता है इसके द्वारा बड़ी आसानी से उसको काट सकते हैं। तो मैं एक बार ऑफ करता हूँ इसको। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, इस तरह से ये जो ब्लेड है इसको हम दोनों साइड में लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो ब्लेड है देखिए इस तरह से, ठीक है, ये हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, अगर चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इस तरह से लगा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। नीचे देखोगे ये देखिए यहाँ पे लगाना हमें, चलिए इस तरह से लगाना हमें, तो इसके लिए क्या करना है ये देखिए, ये जो यहाँ पे पिन लगी है पिन के अंदर लगा देना है, ये हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखोगे ऊपर देखोगे तो इसको मैं थोड़ा कर देते हैं, ये हो गया, लेकिन थोड़ा और लूज कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब इसको कर देते हैं टाइट, ये देखिए फिर हमने इसको टाइट कर दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये चलेगा, तो अगर हमें कोई हार्ड मेटल को काटना है तो उसके लिए देखिए ये इस तरह से कट करेगा, ये देखिए ये जो ब्लेड है हमारा इस तरह से करता रहेगा, और जो प्लेट होगी मान के चलिए ये प्लेट है, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ कैसे कट होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, वैसे अगर नरम धातु होती है, नरम मेटल होता है, तो उसको आसानी से काट सकते हैं ग्राइंडर से, लेकिन कोई अगर मजबूत होता है, काफी हार्ड होता है, तो ग्राइंडर से मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम, आप देखोगे तो जो हार्ड मेटल होती है उसकी जो हार्डवेयर की जो दुकानें होती है वहां पे इस तरह का मशीन होता है, वही उसी के द्वारा वो लोग काटते हैं। तो मैं इसको चालू करता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से होता रहेगा, और हमें इसको यहाँ से मूव करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम करेंगे इसको, और यहाँ पे थोड़ा ऑयल लगा देंगे, मैं एक बार बिना ऑयल के ही कट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये काटना स्टार्ट कर दिया इसने, थोड़ा मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई हार्ड मेटल होती है उसी को ही काटने के लिए इसका यूज होता है, थोड़ा यहाँ पे ऑयल लगाना पड़ता है तब जाके ये सही से काम करता है, क्योंकि ये गर्म होकर के टूटने का खतरा होता है, तो वो सही से काम करे। ये एक हार्ड मेटल की प्लेट है, देखिए, तो इस तरह से ये जैसे जैसे हम इसको घुमाते रहेंगे तो वो आगे चलता रहेगा, और पूरी इसको है ना एक शेप में काट सकते हैं, ठीक है। मतलब एक जैसे किस तरह से काटना है, अगर हमें सिंपल काटना है तो उस तरह से भी काट सकते हैं, अगर हमें थोड़ा किसी डिग्री में काटना है तो उसके द्वारा भी उसी डिग्री में भी हम उसको आसानी से काट सकते हैं। खाली यहाँ से यहाँ पे देखो तो इसको लूज करके इसको मूव करना है और उसी डिग्री में कट जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, अब मैं दूसरा दिखा देता हूँ आपको, इसको ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए मैं ये देखोगे तो पहले तो इसको लूज करना है हमें, ऊपर से चेंज करना है। अब देखिए किस शेप में लगाए, या इसके वर्टिकल में लगाए, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, इसको हमने
इस साइड से तो निकाल दिया, थोड़ा लूज और कर देते हैं। ठीक है, अब हमें मान के चलिए, मैं थोड़ा इसको थोड़ा, ये देखिए यहाँ से देखोगे तो ये कट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से। ये थोड़ा पुराना है, लेकिन अगर नया ब्लेड होगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से फटाफट से इसको काट देगा, किसी भी साइड में काटना है तो। अब हम क्या करते हैं, अब देखोगे तो इस साइड में है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, दूसरी शेप में काटना चाहता हूँ, दूसरी मतलब इसको यहाँ से निकालने के बाद, और मैं इसको इस तरह से लगाना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से लगाना चाहता हूँ। तो उसी तरह से इसके अंदर भी एक पिन लगी हुई है। ठीक है, और ठीक है, और अब देखोगे तो हमें इस पे लगा देना है, साइड में है जो। ठीक है, कर दिया, इसको कर देते टाइट। सॉरी, मैंने उस साइड में लगा दिया, ये जो टीथ है इसके इस साइड में कर दिया। लेकिन कहने मतलब इसको कैसे भी लगा सकते हैं, और उसके द्वारा बड़े अच्छे तरीके से किसी भी शेप में प्लेट होती है उसको काट सकते हैं। मतलब जो बारीकी का काम होता है, जिसको हम सटीक तरीके से काटना है, तो इस मशीन के द्वारा हम बड़ी आसानी से काट सकते हैं। तो अगर मान के चलिए हमने ये दो तीन तरीके बता दिए मैंने, किस तरह से दो तीन तरीके के द्वारा इसके द्वारा कैसे भी कट कर सकते हैं, दो तीन इसका यूज बताए हैं। अब देखिए एक यूज और बताऊंगा। मान के चलिए हमें इस तरह का कोई प्लेट है, तो इस तरह का प्लेट है कोई, और हमें किसी भी शेप में काटना है, कैसे भी किसी भी शेप में इसको कट करना है, अंदर के भाग को कट करना है। हो सकता है वो राउंड हो या फिर किसी तरह से हो। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए हमें एक ब्लेड है, इस तरह से ब्लेड है, बिल्कुल थोड़ा पतला टाइप का होता है, इसको लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, मैं और इसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसको लगाएंगे इसके अंदर जी, इस तरह से। इसके अंदर लगाने के बाद इसकी टाइट हो जाएगा, दोनों साइड से टाइट करना है। उसके बाद इसके द्वारा हम इस प्लेट, ये जो प्लेट होगी उसको हम दोनों साइड में यहाँ पे फिक्स करेंगे, और हम कैसे भी गोलाकार में इसको कट सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए ये जो सीट है, प्लेट है, इसका सीट है, तो यहाँ पे हम बैरिंग फिट करना है, तो उस साइड में हमें काटना है और बैरिंग को यहाँ पे फिट कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, छोटी सी मशीन है, इसके अंदर बहुत टाइप की जो टूल है उसको लगा सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से टूल है वो अलग अलग बनाएंगे, जिस शेप में हम टूल को बनाएंगे उसी शेप में वो काटना स्टार्ट कर देगा। तो मैं देखिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसमें इसका ये जो गियर है इसका डाई बनाने वाला हूँ इसी मशीन पे, पूरा का पूरा डाई इसी मशीन पे बनेगा। बस इसके हिसाब से इसको राउंड और करना है, और ये जो टिथ है इसकी सेम साइज है। तो इसके लिए हम ये जो फाइल है, तिकोना बोल सकते हो आप, इसके द्वारा भी टिथ को कट कर लेंगे, या फिर हम चाहते हैं कि इसके दूसरे शेप में आप देखो तो बहुत टाइप में आती है शेप के हिसाब से, उससे भी अगर हम काटना चाहें तो भी काट सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह के कोई ये जो फाइल है नहीं मिल रहा है जिस शेप में पे काटना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक जो 8 mm का सरिया लेंगे उसको इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे छोटा सा टूल लगेगा साइड में, यहाँ पे होल हो करके साइड में नट के द्वारा इसको, वो जो बिट लगेगी, जो आपने अगर देखा है लैथ मशीन में जो बिटे लगती है अलग अलग टाइप की, जिस शेप की बिट होती है उस टाइप का, तो उसके अंदर बिट लगेगी और वो बिट ऊपर नीचे होते रहेगी, और इसके अंदर जो कट है उसी शेप में इसको कट कर देगा। तब हम इसका जो हमारा डाई होगा, मैं दिखा देता हूँ, ये जो हमारा डाई है, जब इसके जो टिथ कट जाएंगे उसके बाद जो डाई होगा, जैसे इस तरह से ये डाई हो जाएगा। ठीक है, मैं देखिए इस तरह से डाई हो जाएगा और इस तरह से फिट हो जाएगा, और ठीक है, ये देखिए। अब हम इस डाई को मशीन के नीचे लगाएंगे, जैसे मशीन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूँ, इस तरह की मशीन होती है। ठीक है, मोल्डिंग मशीन बोलते हैं इसको, इस तरह की मशीन होती है। तो इस मशीन में हम इसके नीचे लगाएंगे, और फिर जैसा प्रोडक्ट होता है वैसे का वैसा प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस मशीन के द्वारा बहुत सारे ऐसे ऐसे काम है वो कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा आपको ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में इसके में जो काम होगा, मशीन पे काम होगा, वो आसानी से होगा, आराम से होगा, जल्दबाजी वाला कुछ सिस्टम नहीं होता, और बड़ी आसानी से है ना ये जो काम करती रहेगी। आप दूसरा काम भी कर सकते हो, बस इसको
जिस शेप में कट करना है बस खाली उसको घुमाना है, ठीक है। आपको अगर मान के चले एंगल में करना है तो किसी एंगल में काटोगे तो उसी में एंगल में भी हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री में हो जाएगा, उसके अलावा कम करना चाहो तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो प्लेट फिट करेंगे और उस पर इस तरह से काम करेगा। तो इसका ये हो गया एंगल से हिसाब से कितने एंगल पे काटना है, यहाँ से हो गया फिक्स करना है, ये हो गया मूव होने वाला पार्ट, इस और इस साइड दोनों साइड में ये मूव करेगा। इसके अलावा होगा जी ये अगर मान के चलिए कल को ये घिस गया, ठीक है, ये घिस गया तो उसके लिए यहाँ पे छोटी सी पत्ती दी गई है, तो ये पत्ती घिसेगी खाली, तो ये पत्ती जैसे घिसती है तो उसके द्वारा पत्ती के द्वारा फिर से हम इसको टाइट कर देंगे। जैसे टाइट करेंगे फिर से इसका जो चल है वो कम हो जाएगा। अगर पीछे से अगर ये यहाँ से घिस जाता है तो उसके लिए यहाँ पे जो प्लेट लगी है, ये जो नट लगे हैं दोनों साइड में, इसको टाइट करना है। तो यहाँ पे जो नट को टाइट कर देंगे तो फिर से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगी। तो फ्रेंड्स छोटी सी मशीन है, बहुत छोटी सी मशीन है लेकिन काफ़ी यूजफुल है। आप इसको कई तरीके से अपना जो काम है वो कर सकते हैं आसानी से, आराम से, बिल्कुल सटीक तरीके से, कैसे भी कुछ भी किसी भी मेटल को काट, जिस तरह से CNC मशीन होती है वैसे ही इस मशीन के द्वारा भी बहुत सारे काम है जो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं मशीनों से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।